हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी। डेली यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। मिशन 2020 लेके चल रहे हैं। 24 जुलाई आज है और एक्चुअली ये कल का लेसन है लेकिन आज अपलोड हो रहा है क्योंकि कल कुछ इश्यूज थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करते हैं, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन हैं और इनको आपको फॉलो करना है। वो आज का लेसन आप देख ही चुके होंगे शायद, और नहीं देखा तो उसका वीडियो आ चुका था। और अभी ये 24 जुलाई का लेसन जो अभी अपलोड हो जाएगा, पॉकेट न्यूज़ ऐप जो है वो डाउनलोड आप कर लेना, गूगल प्ले से ट्रेंडिंग पे है, हिंदी अपडेशन भी उसमें आ चुका है और टॉप फैकल्टीज के बनाए हुए अफोर्डेबल कोर्सेज जो हैं उनका डिटेल भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कुछ जो कोर्सेज हैं सारे के सारे, इनके रिगार्डिंग आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हो। यहाँ पर चैट सेक्शन है इस वेबसाइट के ऊपर और PDF आपको यहाँ मिल जाती है, यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ इस ग्रुप के ऊपर। टेलीग्राम का लिंक भी आपको इस पर मिल जाएगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, और ये लिंक है टेलीग्राम के चैनल का भी। क्वेश्चन है, IMF ने अभी रिसेंटली इंडिया का ग्रोथ रेट जो है वो कट कर दिया है। पहले उन्होंने 7.3 दिया था 19-20 के लिए, लेकिन अभी 19-20 और 20-21 के लिए उन्होंने कम किया है। तो 19-20 वाले साल के लिए उन्होंने जो कितना कर दिया है अभी, ये आपको बताना है। तो देखिए, ये ऑप्शन काफ़ी सिमिलर से हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड का जो ग्रोथ रेट है वो भी कम कर दिया गया, 3.4 से 3.2% पे आ गया है। तो उसके हिसाब से डिमांड कम हो रही है, तो उसका एक बड़ा रीज़न है कि इंडिया की इकॉनमी जो है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि हमारा जो शेयर है वो इकॉनमी में बढ़ रहा है। तो अभी 7% इन्होंने कर दिया है, 7.3 से घटाकर 7% पे आ गया। ये पहले जो हमारे RBI के और इन सब के जो थे एस्टिमेट्स वो लगभग इतने ही थे, इन्होंने जो है वो कट कर दिया फॉरकास्ट और 2021 वाला भी कम कर दिया है। 21 के अंदर वो 7.5 पहले बता रहे थे, जो अभी 7.2 रह जाएगा, तो 0.3 से कम कर दिया है दोनों सालों के लिए, ये 7.3 से 7 हो गया है। तो ये इन्होंने जो ग्रोथ का फॉरकास्ट है जो कि नॉर्मली देते हैं उसके रिगार्डिंग इन्होंने बोला है। तो अप्रैल में उन्होंने 7.3 बताया था, अभी इन्होंने और 7.0 बता दिया है जो कि इस साल का रहेगा। नेक्स्ट है बोरिस जॉनसन, अभी न्यूज़ में आया है। बोरिस जॉनसन कौन है? बोरिस जॉनसन क्या बॉक्सर हैं, क्या कोई रेसर हैं या फिर कोई नोबेल प्राइज विनर है? नहीं, बोरिस जॉनसन जो है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे ब्रिटेन के। थेरेसा मे ने स्टेप डाउन कर दिया है, उनका जो इन्होंने कंडीशन लगाई थी कि मैं अगर इस ब्रेग्जिट को पॉसिबल नहीं कर पाई और ये कंडीशनल अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं स्टेप डाउन कर दूंगी, और काफ़ी प्रेशर उनके ऊपर था, सबसे बड़ा इशू बन गया उनके पूरे कार्यकाल में चलता रहा और दे कुड नॉट सॉल्व इट। और अभी बोरिस जॉनसन जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, दो ही पार्टी ब्रिटेन में होती हैं, कंजर्वेटिव और लिबरल, जो लिबरल पार्टी है। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, इनको चुन लिया गया है, नेक्स्ट होंगे डी, नन इसका आंसर होगा क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के। और ये देखिए, इनको इतने वोट्स मिले हैं और ये कंजर्वेटिव मेंबर्स ने इनको चुना है, बोरिस जॉनसन इनका नाम है। और ये इनका लुक है, पहचान सकते हैं, इनके बाल थोड़े से ऐसे रहते हैं जो उड़ते रहते हैं, ये इस तरह से है। और ये यूरोपियन यूनियन के लिए एक बड़ी न्यूज़ होगी क्योंकि इनका जो स्टैंड है, देखिए अलग अलग रहता है थोड़ा सा, इनका थोड़ा सा यूनिक स्टैंड है और थेरेसा मे से थोड़ा सा अलग बोलते हैं ये इस मामले के ऊपर, और कंजर्वेटिव लीडर हैं। तो इनको देखना होगा किस तरह से इसको डील करते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन चुका है ब्रेग्जिट जो है, पूरा यूरोपियन यूनियन उससे डिस्टर्ब चल रहा है, ब्रिटेन उसका सबसे मजबूत मेंबर भी रहा है, और आगे के लिए ब्रिटेन के लिए भी और यूरोप के लिए दोनों के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। ये कैसे अनफोल्ड होता है वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एक और इशू भी है कि ये जो ही बने हैं उसके नेक्स्ट डे ही एक बड़ा चैलेंज जो है इनको लेबर पार्टी से मिल सकता है, जो दूसरी पार्टी है, कि नो कॉन्फिडेंस वोट ला सकते हैं। 650 सीट की पार्लियामेंट वहां पर है और इसमें 311 कंजर्वेटिव सीट्स हैं, तो इसका मतलब अब ये कुछ भी इसमें हो सकता है। ये भी एक देखने वाली बात होगी कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट जा भी सकती है, तो हो सकता है कि ये फ्यूचर में रहे भी ना, लेकिन अभी के लिए बने हैं। नेक्स्ट है सेका और सेपा। देखिए, आप बात करते हो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की, ईस्टर्न कंट्रीज जो जितनी भी सारी हैं उनके साथ में हमारा इशू चल रहा है। RCEP की जो बात होती है, RCEP क्या है? RCEP एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ही है, किसके साथ में? हमारा आसियान कंट्रीज के साथ में, जिसको हम जो है डिस्कस करते रहे हैं पास्ट में, अभी उसके रिगार्डिंग और काफ़ी सारा न्यूज़ आई है। उन्होंने ये बोला था कि जो अभी थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये बोला था कि अगर इंडिया नहीं चाहता है तो वो बाद में इसको ज्वाइन कर सकता है और इसको चलाना चाहिए RCEP को। तो उसी के साथ में बात होती है सेका और सेपा की। सेका और सेपा भी हमारे इकोनॉमिक कोऑपरेशन के मॉडल्स हैं, स्पेसिफिक हैं, इनमें बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। वैसे ये कई बार जनरल टर्म्स में एक साथ यूज हो जाते हैं, लेकिन सेपा जो है वो थोड़ा सा वाइडर टर्म है और ये बड़ा एक टर्म है। पहले सेका डिस्कस होता है, उसके बाद में सेपा डिस्कस होता है। तो ये इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ में हमारे हैं, तो जैसे सेपा हमारा साउथ कोरिया के साथ में है, जापान के साथ में है, इन्होंने इनके साथ हमने साइन कर रखा है। सेका जो है जैसे सिंगापुर के साथ में हमने साइन कर रखा है। तो टैरिफ रिडक्शन एलिमिनेशन इनकी बात होती है फेज मैनर में सेका के अंदर, ठीक है। और इसमें जो जो नेगेटिव लिस्ट वगैरह कुछ बनाई जाती है, जैसे मान लीजिए
टैरिफ के इश्यूज जो होते हैं वो डिस्कस होते हैं कंट्रीज के साथ में आपस में, और जब बात होती है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की तब बहुत सारी कंडीशन लगती हैं उसमें। फ्री ट्रेड कंडीशन जो होती है उसके अंदर ये होता है कि भाई टैरिफ नहीं लिए जाएंगे आपस में कंट्रीज से, तो उनका जो फ्री फ्लो होता है फिर आइटम्स का। लेकिन जब लिस्ट बनती है तो फिर वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं रह जाता है, उसके अंदर ये डिसाइड होता है कि भाई ये चीज़ों के ऊपर कम टैरिफ होगा, ये वाली पे ज़्यादा टैरिफ होगा, तो उसके हिसाब से जो दूसरे देशों के आइटम जो होते हैं उस कंट्री में महंगे या सस्ते होते रहते हैं। तो ये सेका और सेपा दो तरह की चीज़ें हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही लिखे गए हैं, दोनों ही सही हैं इसमें, क्योंकि सेपा जो है वो सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट के अंदर जो ट्रेड होता है उसको भी कवर करता है सेपा, तो सेपा बड़ा होता है और सेका जो है स्पेसिफिकली और टैरिफ के इश्यूज के ऊपर ही होता है। तो ये इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ में हमने साइन कर रखे हैं, तो दोनों इसमें सही होंगे, सी बोथ इसका आंसर होगा। ये देखिए सेपा हमने जापान के साथ में, साउथ कोरिया के साथ में डिस्कस कर रखा है। अभी साउथ कोरिया के साथ में एक न्यूज आई थी अभी जो था हिंदू के अंदर, उसमें ये बोला था कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हमें इसको सीज करना है, और साउथ कोरिया जो है काफी ज्यादा इस चीज के मूड में भी है कि हमारे सामने लंबा कोऑपरेशन वो रखे अगले आने वाले डेकेड्स के अंदर, तो सेपा उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सेका देखिए हमने मलेशिया के साथ में साइन कर रखा है, और इसके अलावा भी सिंगापुर ने साइन किया था सेका, तो ये पार्टनरशिप्स हैं अलग अलग, और ये सारी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट सेपा और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट ये होता है सेका और सेपा, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। आरसीईपी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आसियान के साथ में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो फाइनलाइज अभी हुआ नहीं है, मतलब एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट जतन ऐप एक या सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, जतन ऐप वो किससे रिलेटेड है, तो क्या स्मॉल ट्रेडर्स के रिगार्डिंग जो नई पेंशन योजना स्टार्ट की गई है क्या उसके रिगार्डिंग है, नहीं। माइनॉरिटीज की स्किलिंग के लिए प्रोग्राम कोई है, नहीं। वर्चुअल म्यूजियम ट्राइबल प्रोडक्ट्स मार्केटिंग, देखिए वर्चुअल म्यूजियम इंडिया का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो मैनेज करता है म्यूजियम्स को, अभी एक इशू क्या है कि जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं और जो एरियाज हैं बहुत सारे लोगों को एक्सेसिबल नहीं होते हैं, वो आ जा नहीं सकते हैं लेकिन इंटरनेट एक्सेस करते हैं, तो ये एक वर्चुअल म्यूजियम का एक ऐप बनाया गया है जतन सॉफ्टवेयर, जो कि डिजिटाइजेशन जो चल रहा है म्यूजियम्स वगैरह का, जो आर्कियोलॉजिकल जो भी सारा कुछ मैटर है उसको डिजिटल वो बना रहे हैं और वो वेबसाइट पे डाल रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये ऐप बनाई गई है जतन ऐप, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, तो ये वर्चुअल म्यूजियम्स के विषय में ये रिलेटेड होगी, सी इसका आंसर होगा। ये देखिए आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स का डिजिटाइजेशन जो है वो इसका मेन मुद्दा है, ठीक है। आर्काइवल टूल्स वगैरह इसमें होंगे, और एकदम जैसे आप ऐप वगैरह में पिक्चर्स देखते हो तो ये वैसा सा इशू होता है, लेकिन इसमें ऐसा एकदम विजिट होगा जैसे आपको लगेगा कि आप उसमें घूम रहे हो म्यूजियम में, लेकिन एक्चुअली वो डिजिटल चलेगा आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर पे चलने वाला है। तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक जो पर्टिकुलर प्रोग्राम भी चल रहा है, नेशनल पोर्टल एंड डिजिटल रिपोजिटरी, उसको कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको कर रहा है ह्यूमन सेंटर डिजाइन एंड कंप्यूटिंग ग्रुप, और वो टेक्निकल एक्सपर्टीजेस के साथ में कौन है, सीडैक पुणे, पुणे के अंदर सीडैक का इंस्टीट्यूट है एडवांस कंप्यूटिंग का, तो वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी 48 ऐसे म्यूजियम्स हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर, और उनको डिजिटाइज करने की बात है, इसमें फेज वन और फेज टू होंगे, और फेज वन के अंदर वेला गोवा का है और नागार्जुन कोंडा जो है, इन दो को डिजिटाइज किया गया है और बाकियों को फेज टू में किया जाएगा। तो ये नेशनल पोर्टल एंड डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ म्यूजियम्स ऑफ इंडिया, ये प्रोग्राम का नाम है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर चला रहा है और उसके अंदर ये सारे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंदर स्वदेश दर्शन स्कीम एक तीर्थंकर सर्किट जो है वो बनाया गया। देखिए स्वदेश दर्शन स्कीम एक इंपॉर्टेंट है, स्वदेश दर्शन जैसा इसका नाम है, इसमें थीम बेस्ड सर्किट्स हैं हमारे देश के अंदर, कुछ टूरिज्म के सर्किट्स हैं, कुछ कल्चरल सर्किट्स हैं, कुछ रिलीजियस हैं, कुछ इस तरह के हैं, तो ये तीर्थंकर सर्किट जैंस के अंदर तीर्थंकर होता है, आपको पता ही है 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी, तो तीर्थंकर सर्किट जो है वही बनाया गया है, और ये 15वां थीमेटिक सर्किट होगा इसके अंदर, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस सदर इंडिया में नहीं है, ये बिहार वाले रीजन के अंदर है, तो ये थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट हो गया इंडिया का, तो ये गलत होगा, सदर इंडिया नहीं है, ये थोड़ा सा एक इसमें ट्वीक आ गया है, इसको आपको नोट करना है, ऐसी चीजें आपको नोट करनी है, क्योंकि पूरी दो लाइन सही है, लास्ट में थोड़ा सा सदर इंडिया इसमें डाल दिया तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये स्कीम क्या है, नहीं, ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं, तो दोनों इसमें गलत हो जाएंगे, डी एन इसका आंसर होगा। ये देखिए वैशाली, आरा, मसद, पटना और राजगीर, पावापुरी, चंपापुरी, ये सारे जो हैं जो महावीर स्वामी हैं उनके लाइफ से रिलेटेड इश्यूज हैं, और यहाँ पर और भी जो हैं पहले हुए हैं, जैसे ऋषभदेव जो हैं वो पहले हैं, उनका सिंबल्स भी अलग अलग, जैसे उनका बुल सिंबल था, महावीर स्वामी वो लास्ट के थे 24th, तो इसी एरिया के अंदर जहाँ उनके मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उसके रिगार्डिंग ये थीमेटिक एक सर्किट है, 15वां सर्किट ये होगा स्वदेश दर्शन के अंडर, और ये स्कीम 3-4 सालों से चल रही है, सेंट्रली फंडेड है 100%, और इसमें CSR इनिशिएटिव्स के जो फंड आते हैं
उनको भी इसमें रेज किया जाता है, और इसमें प्रोग्राम मैनेजमेंट कमिटीज हैं, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी भी इसके अंदर है और उसका डायरेक्टरेट भी है। नेक्स्ट है, रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है ड्रेसिना कैम्बोडियाना प्लांट। क्या ये वेस्टर्न घाट में किया गया है? देखिए, इंडिया में ये किया तो गया है, लेकिन ये वेस्टर्न घाट नहीं है, ये ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का। असम के अंदर कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और वेस्ट और ईस्ट दो उसके पार्ट हैं। वेस्ट कार्बी आंगलोंग के अंदर इसको डिस्कवर किया गया है और ये एंशियंट टाइम से इंडिया में है। ये मेडिसिनल प्लांट्स है और इसके अंदर एक कुछ कलर्ड एक जूस निकलता है और वो उसके कारण इसको ड्रैगन प्लांट भी बोलते हैं, और वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखता है, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज उसकी होती हैं, और बहुत लंबे टाइम से उसको ऑर्नामेंटल और उस मेडिसिनल यूज़ के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। और ये पॉइजनस प्लांट नहीं है, इंटॉक्सिकेशन का यूज़ जो है वो भी इसमें कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि ये होता है क्या, लेकिन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसकी जरूर है। तो ये वहाँ पर एंशियंट मेडिसिन सिस्टम में यूज़ होता है, चाइना में इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है, बहुत फेमस है चाइना के अंदर। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इंडिया का है जहाँ पर इसको किया गया है, दोनों इसमें गलत हो जाएंगे क्योंकि वेस्टर्न घाट का एरिया नहीं है। डी नाइन इसका आंसर होगा। और ये देखिए, ये ड्रेसिना और कैम्बोडियाना इसका नाम है। वैसे कैम्बोडिया जो है वो तो जो ये कंट्रीज हैं सारी ईस्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, वहाँ पर कैम्बोडिया है तो उसका नाम है। तो ड्रैगन्स ब्लड के नाम से इसका फेमस है, इसका जो जूस होता है ड्रैगन्स ब्लड कहलाता है, लेकिन इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। मेडिसिनल प्लांट है, ऑर्नामेंटल ट्री भी ये है, और ट्रेडिशनल मेडिसिन चाइना के अंदर मेनली इसका यूज़ होता है, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड्स एंटी ऑक्सीडेंट्स भी इसमें होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स भी इसमें होते हैं, और ये अलग अलग पार्ट से मतलब अकेला पत्तियां ही नहीं शाखाओं से कई जगह से ये निकलता है जो इसका जूस होता है, तो वो कई सारी प्रॉपर्टी से निकल सकता है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, हर साल एक जो नया कोई स्पीसीज मिलता है उसका क्वेश्चन होता है, चाहे एनिमल्स का हो चाहे प्लांट्स का हो, तो ये ड्रेसिना कैम्बोडियाना है। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसकी बात कई दिनों से चल रही थी पीआईबी में, मैंने पहले भी आपको बताया था, जो पीआईबी का क्वेश्चन मैंने बनाया था उसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो इंडिया में रिलीज की गई है, वो वैसे और डब्ल्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं इसको रिलीज करता है। ये वर्ल्ड बिजनेस नाम की एक मैगजीन छपती थी यूके के अंदर 2007 में, उसने स्टार्ट किया था, और इनसीट बिजनेस स्कूल है वो भी इसको जारी करता है। तो अभी इसको एक तो WIPO जो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है UN की, वो और इनसीट बिजनेस स्कूल उसको रिलीज करते हैं, तो ये गलत है। दूसरा, इंडिया ने 52nd रैंक इसमें हासिल की है, 57 तो पिछले साल थी हमारी, तो ये भी गलत है। डी नन इसका आंसर होगा, दोनों इसमें गलत है। और इधर ये देखिए, इसमें लिखा हुआ 52nd इसमें पोजीशन मिली है हमें, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO जो मैंने आपको बताया अभी, वो इनसीट बिजनेस स्कूल और CII इन्होंने ये मिलकर रिलीज किया है, और ये तो इंटरनेशनली इसको रिलीज करते हैं, और CII इंडियन पार्टनर इसका, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और इनोवेशन इंडेक्स है, तो ये हमारे सारे इकोनॉमी के लिए और एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर भी है, जो ग्लोबली जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स ये होती है। नेक्स्ट, मैप का क्वेश्चन है, कौन सी सिटीज जो हैं वो इक्वेटर के साउथ में लोकेटेड हैं। तो इक्वेटर कहाँ कहाँ से गुजरता है आपको पता, साउथ अमेरिका के नॉर्थ से गुजरता है, फिर अफ्रीका के बीच से गुजरता है, उसके बाद में एशिया के अंदर से भी गुजरता है, जहाँ पर इंडिया के बहुत नीचे ये रह जाता है, तो इंडियन ओशन से गुजरता है, उसके बाद में इंडोनेशिया वगैरह के आइलैंड्स हैं, ये सब आते हैं। तो लापास कहाँ की सिटी है? लापास देखिए बोलीविया के कैपिटल है और ये साउथ अमेरिका के अंदर है, और लापास जो है वो इक्वेटर के नीचे ही है, क्योंकि बोलीविया जो है अगर आप देखेंगे मैप में तो बोलीविया नीचे है, इक्वेटर तो ऊपर से गुजरते हैं, यहाँ से बोलीविया यहाँ पर है और लापास यहाँ पर है, तो नीचे होगा कैरकास। कैरकास वेनेजुएला की कैपिटल है, जो यहाँ ऊपर है तो ये ऊपर होगा कैरकास इसके, तो ये गलत होगा, दूसरा नहीं होगा। किंशासा DRC जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल है, और वो बीच में पड़ता है अफ्रीका के, और ये नीचे होगा, यहाँ पर किंशासा है, यहाँ से निकल रही है इक्वेटर, तो ये होगा बांडुंग जो इंडोनेशिया के आइलैंड्स में से एक जगह पे है और जकार्ता के थोड़ा सा साउथ में पड़ता है ये, तो ये भी साउथ में पड़ेगा इक्वेटर के, तो ये बांडुंग शहर, तो इसका आंसर होगा 1, 3, and 4, क्योंकि कैराकास इसमें नहीं होगा। और मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ये देखिए ये लापास सिटी है, यहाँ पर है, ये इक्वेटर जा रही है यहाँ से, और ये कैराकास यहाँ पर है, एकदम नॉर्थ में है, कैरेबियन सी के उधर इसका ओपनिंग होता है। ये किंशासा है, ये DRC की कैपिटल यहाँ पर पड़ती है, और ये बांडुंग शहर है। तो बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस 1955 में हुई थी, इसके रिगार्डिंग मैंने आज आपको बताया भी था कि जो हमारा जो नैम जो हुआ था इस्टेब्लिश, उसके अंदर इसका प्रीकर्सर ये बांडुंग कॉन्फ्रेंस ही थी जो 1955 में हुई थी, जो सुकर्णो इंडोनेशिया के उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे। तो ये डिटेल्स हैं। नेक्स्ट है मसाई जिराफ के रिगार्डिंग जो डिटेल है, मसाई जिराफ को अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया है क्या? नहीं, सिर्फ एंडेंजर्ड घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जिराफ सिर्फ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, और खासकर जो कीनिया और ये जो जो देश हैं
इनके अंदर ही मिलते हैं जो इक्वेटर के बिल्कुल पास है। तो इवन टोड अनग्यूलेट मैमल है, मैमल तो है बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा रूमिनेंट भी है। रूमिनेंट क्या होता है, रूमेन जो होता है ये एक पार्ट होता है आपके स्टमक के अंदर, हमारे नहीं मतलब जानवरों के होता है जो कि शाकाहारी होते हैं, तो रूमेन उसमें मिलता है सबसे बड़ा रूमिनेंट ये बोला जाता है। और सबसे टॉलेस्ट एनिमल भी है, आपको पता है लॉन्गेस्ट सॉरी टॉलेस्ट लिविंग टेरेस्ट्रियल एनिमल ये है, तो ये पता है हमें। और ये जो डायनासोर थे उस टाइम से यहाँ पर है, बहुत पुराना ये है। और इवन टोड मतलब ये ऐसा होता है कि इसका जो वजन जो होता है, जो पैर के अंदर नीचे जो टोज होते हैं उसके खुर, तो दो के ऊपर इसका वजन रहता है, बाकी तीन या तो गायब होते हैं या फिर वो बहुत ही नॉन फंक्शनल होते हैं। तो इस तरह से ये अनग्यूलेट मैमल कहलाता है, एक कैटेगरी है पूरी उनकी। और ये जिराफ उसमें आते हैं, तो दूसरा इसमें सही है, पहला इसमें गलत है, ओनली टू इसका आंसर होगा। ये देखिए इसको किलिमंजारो वगैरह भी बोलते हैं, क्योंकि किलिमंजारो आपको पता होगा सबसे ऊंची पीक भी है माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की, और उसके नाम पे किलिमंजारो जिराफ है, सबसे ऊंचा ये जिराफ का स्पीसीज होता है जो इसका जीनस है सॉरी जो इसका ब्रीड जो है सबसे ऊंचे वाला ये है। और लास्ट 30 इयर्स के अंदर इसकी 50% पॉपुलेशन कम हो गई है, लास्ट तीन डेकेड्स में 50%। तो अभी भी 35,000 हैं लेकिन इसकी पॉपुलेशन बहुत फास्ट तरीके से गिरी है, और इसका जो डिक्रीज हुआ है वो अफ्रीका में ओवरऑल अगर जिराफ्स की पॉपुलेशन को देखा जाए तो उनका 40% तक कमी उसमें आ चुकी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और कंसर्निंग इशू है, ये बड़ा ही मैजिकल मतलब आप मान सकते हो कि जानवर है जो दिखने में और आज की दुनिया में जो अवेलेबल है, तो आज की जनरेशन जो है वो देख पा रहे हैं लेकिन आगे की हो सकता है नहीं देख पाए इसको, इतना इंपॉर्टेंट ये है। उसके रिगार्डिंग डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। और इसको शेर वगैरह हाइनाज जो होते हैं, लेपर्ड जो होते हैं, ये सब इसको शिकार करते हैं। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट इश्यू यूनिक है, क्राइजोमेलॉन स्क्वामीफेरम, ये चीज़ क्या है, ये एक नया इन्फॉर्मेशन आया है। और ये एक एनिमल है, प्लांट नहीं है, तो पहला गलत हो गया। बटरफ्लाई क्या है, बैक्टीरिया क्या है, क्या स्नेल है, देखिए स्नेल होता है, स्नेल मतलब जो घोंगा जो एकदम रेंग के चलता है ऐसे ऐसे, वो है ये। और ये सी के बॉटम में मिलता है। अभी पहली न्यूज़ ये आई है कि ये पहला ऐसा स्पीशीज है जिसको डिक्लेयर किया गया है थ्रेटेंड, क्यों, डीप सी माइनिंग के कारण। और डीप सी माइनिंग हो रही है, आपको पता है कि जो नोड्यूल्स होती हैं कई पॉली मेटल्स वाली जो होती है उनको खोजने के लिए और भी बहुत सारे इश्यूज को खोजने के लिए डीप सी माइनिंग होती है, कोई मान लीजिए हाइड्रोकार्बन की एक्सप्लोरेशन में भी इसका होता है। तो ये इस तरह से दिखता है, और इसका स्पेसिफिक नाम है ठीक है स्केली फूड स्नेल, क्योंकि स्केल जैसा इसका फूड मिलता है इसलिए इसको स्केली फूड स्नेल बोलते हैं। और ये एंडेंजर्ड हो गया है, मतलब पूरी कैटेगरी में तो नहीं आया है लेकिन मतलब ये खतरे में आ गई है स्पीशीज, ये बिल्कुल बोल दिया गया। और उसका रीजन है डीप सी माइनिंग। तो ये पहला ऐसा ओशनिक एनिमल है जिसको ये डिक्लेयर किया गया है। और देखिए ये बड़ा ही सुंदर होता है, देखिए एकदम डार्क दिख रहा है क्योंकि ये एकदम बॉटम में मिलता है जहां पर बिल्कुल डार्क होता है, लाइट नहीं पहुंच पाती वहां तक, इसलिए ऐसा दिखता है, बिल्कुल शानदार। तो ये आज का लेसन था, कल मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, और थैंक्स अ लॉट।